हुरहुरु साहू धर्मशाला में लगाया गया टीकाकरण शिविर। बताया जाता है कि वार्ड 34 और 35 के तत्वाधान में कोरोना वैक्सीन का शिविर लगाया गया, जहां लगभग 90 लोगों ने वैक्सीन लगवाया। फिर वहीं 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन पूरा नहीं हो पाने से बुधवार को बुलाया गया। वार्ड वासियों ने वैक्सीन लगाने को लेकर काफी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां वार्ड पार्षद सुबोध कुमार, महिला अध्यक्ष रेणुका देवी और महिला उपाध्यक्ष ज्योत्सना देवी, शेख भिखारी हॉस्पिटल के कई नर्स, ANM और हॉस्पिटल कर्मी वैक्सीनेशन प्रक्रिया में शामिल रहे। और फिर वही वार्ड पार्षद की माने तो उनका कहना है कि हमारे वार्ड में वैक्सीन की प्रक्रिया पहली बार हुई है और हम लोगों को अंदाजा नहीं था कि इस कदर पूरा 34-35 वार्ड वैक्सीन लेने को लेकर भीड़ उमड़ पड़ेगी। सुबोध कुमार ने हॉस्पिटल प्रबंधन से यह अपील की है कि दूसरी बार फिर वैक्सीन कैंप लगाया जाए, जबकि हमारा वार्ड काफी बड़ा है और उसके साथ साथ 34 वार्ड के वार्डवासी भी आ पहुंचे, जहां हम सब भीड़ को नहीं संभाल सके। कई लोगों को वैक्सीन लगाने को लेकर समझा बुझाकर बुधवार को आने को बोला गया है। प्रबंधक को दूसरी बार कैंप लगाने की अत्यधिक जरूरत है। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। चालू कर दिया। नमस्कार, नवाज हसी टीवी से मैं सोनू केसरी। अभी मैं वार्ड 35 के वार्ड पार्षद सुबोध कुमार के पास आया हुआ हूँ। आज ये कोरोना वैक्सीन का कैंप लगाए थे, आइए उनसे जानते हैं कि कितने लोगों को आज वैक्सीन पड़ा और वैक्सीन को लेकर कितने लोगों में क्या कुछ उत्सुकता देखी गई है, क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं वार्ड पार्षद सुबोध कुमार से। नमस्कार, मेरा नाम सुबोध कुमार, मैं वार्ड पार्षद 35 से। आज 34 वार्ड और 35 वार्ड के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कराया गया था। इस दौरान हम लोगों ने एक सप्ताह पहले से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोगों को निमंत्रण किया गया था व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, मौखिक रूप से बोल करके, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता ला करके लोगों के बीच में कोरोना वैक्सीनेशन कराया जाए। और उसके साथ हम लोग बहुत खुशी की बात हुई, लोग पहले से आकर के यहाँ पे तत्पर दिखे और लगभग यहाँ पे 90 लोगों ने वैक्सीनेशन लिया और यहाँ पे 140 लोगों को उपस्थित हुए, जिसमें हम लोग 50 लोग वापस कर दिया गया। और हम लोग ने निवेदन किया है कि परसों उन लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। आज कोविड की यहाँ पे जांच वैक्सीनेशन किया गया और बहुत खुशी और बहुत हर्षोल्लास से साथ लोगों ने भीड़ हुआ। आज यह 18 वर्ष के ऊपर के उम्र और 45 के नीचे के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। यह हमारे वार्ड में पहली बार 18 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन किया गया। बाकी बहुत लोग सहयोग के यहाँ पे सहयोग करने के लिए यहाँ पे सरकारी कर्मी जो थे वो BTT की तबसु मैडम, स्नेहलता, सुधा कुमारी और सोनी कुमारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में संदीप कुमार सोनी और सहिया अनीता दी और बेबी कुमारी का बड़ा सराहनीय सहयोग रहा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से हमारी पूनम जी हैं वार्ड 35 की, उन्होंने बहुत अथक प्रयास की है और साथ साथ में सहयोग के रूप में यहाँ पे महिला मोर्चा की रेणुका जी, ज्योत्सना जी लोग का भी काफ़ी सराहनीय योगदान रहा। हमारे नगर निगम के कर्मियों का भी बहुत सहयोग रहा, उन्होंने सफाई पूरा कैंपस को किया और बहुत सुंदर से यह कार्यक्रम सफल बनाया। धन्यवाद। क्या कुछ नाम है आपका? मेरा सुबोध कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 35, उरुडू। धन्यवाद। तो इनसे जाना हम लोगों ने कि आज वैक्सीन कैंप लगा था और वैक्सीन कैंप में कुल कितने लोगों को वैक्सीन पड़ा। चलिए, कुल 90 लोगों को वैक्सीन पड़ा है इनके माध्यम से, अब कुल 50 लोगों को और परसों लगना है, तो देखते हैं कि कुल बचे 50 लोगों को वैक्सीन लग पाता है कि